सर वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू विल बी सेफ एट योर होम. नाउ लेट अस सी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लैश. देन योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द वर्किंग विथ फ्लैश CS3 एंड It is a part of lesson number 9. Your lesson number 8 consists of various type of tool like drawing tools, lasso tool. Drawing star and the function of this type of tool is the very useful for users to create a drawing. Once again, hello. Once again, it is a very important question for you that always remember that Flash is a very important package by which we can create drawing or any type of attractive objects according to user's requirement or user's choice. Lesson number 9, it is a part of symbol and animation by which any users can create animation. Then symbol and animation, symbol and animation. First of all, what is symbol? It is a very important lesson and very important topic. Is symbol kya hai? What is symbol? It is an reusable objects for static images or animation. They are either created with the help of drawing tools or imported from other source. ये हमारा कोई drawing object हो सकता है या कोई दूसरी जगह से import किया हुआ object हो सकता है. Listen very carefully. या तो हमारा flash में जो भी हम document create कर रहे हैं या तो उसमें ये भी हो सकता है या इम्पोर्टेड मैटर हो सकता है. इम्पोर्टेड ऑब्जेक्ट्स मीन्स पेंट से भी कुछ आप इसमें इम्पोर्ट कर सकते हैं. पेंट प्रोग्राम से कुछ भी मैटर हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं. सिंबल are instance as a copy of the original symbols. The size, color, shape and position can be altered without affecting the original symbol. Original symbols ko bina prabhavit kiye hue hum isme iske color, positions aur is ki jo cheeze hain वो बदल सकते हैं थ्रू द सिंबल. कैसे बदलेंगे इसे आप देखें. यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने से पहले उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को हमें सिंबल में कन्वर्ट करना होता है. ये सिंबल में उसे कन्वर्ट हम करते हैं. कैसे करेंगे सर, इसे हम लोग सिंबल में कैसे करते हैं, मतलब वो साइन क्या रहता है सिंबल का? इसे बेटा मॉडिफाई एक ऑप्शन है, फ्लैश में मॉडिफाई में जाएंगे, F8 की प्रेस कर सकते हैं कन्वर्ट टू सिंबल. सिंबल में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट है क्या, F8 की टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सिंबल. इसे ऑब्जेक्ट टू सिंबल
या तो आप एफर्ट की प्रेस करोगे तब भी वो आ जाएगा, या फिर मॉडिफाई ऑप्शंस में जाएंगे, मॉडिफाई ऑप्शंस में जाने के बाद क्या लेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल, ये ऑप्शन याद रखें, मॉडिफाई, या सबसे आसान तरीका तो है, ये सबसे ये सिंबल मॉडिफाई ऑप्शन है। हाँ आप देखें वहां से क्या करेंगे हम, यहां से जो भी ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है ये ऑब्जेक्ट शुड बी सेलेक्ट, सेलेक्ट द पोर्शन और विथ इंस्टेंस टू द चेंज इट अपीयरेंस, हियर यू कैन एडिट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्राफिक सिंबल आर एनी ऑब्जेक्ट, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट एनिमेशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट इट इन टू सिंबल, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा सिंबल में। कैसे करेंगे, एफेक्ट शॉर्टकट बटन जो है यहाँ पे देखें एफेक्ट की, या हम मॉडिफाई ऑप्शन में जाएंगे, मॉडिफाई ऑप्शन में क्या ले लेंगे, कन्वर्ट टू सिंबल। सर ये सिंबल में कैसे कन्वर्ट होगा सर, अगर कोई एनिमेशन है उसको हम लोग सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो सर वो सिंबल क्या रहेगा? अभी देखो सिंबल में कन्वर्ट जब हम कर लेंगे तो ये सिंबल में कन्वर्ट होने के बाद इमेज आपकी वैसी ही दिखाई देगी, उसमें कोई नहीं है कि ये इमेज बदल जाएगा, ये इमेज बदलेगा नहीं, बल्कि वो देखो अभी इसमें हम कई सारे देखो इससे बताएंगे, मूव टू बटन और ग्राफिक्स, इसमें किस तरह का हम बदल रहे हैं ये वहां पे बताना होगा कि हम क्या लेंगे, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं बटन में, ग्राफिक में किसको चेंज कर रहे हैं, ग्राफिक यानी क्या होगा, फिगर होगा आपका, ग्राफिक यानी चित्र होगा, इमेजेस होगा या ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, यानी जैसे मान लो आपने सर्कल बना लिया है, आपने ट्रायंगल बना लिया है, इसको हमें थोड़ा सा मूवमेंट दे करके आगे बढ़ा लेना है, अगर ये बॉल है तो इसको थोड़ा ऐसा दिखाई दे कि ये बॉल आगे जा रही है, थोड़ा सा मूवमेंट इसमें देंगे जो कि हम पेंट में नहीं दे पाएंगे, पेंट में ड्रॉ तो कर पाएंगे लेकिन बना नहीं पाएंगे, उस एनिमेशन नहीं दे पाएंगे, और यहाँ फ्लैश में एनिमेशन दे पाएंगे। सर तो जो एनिमेशन से जब हम करेंगे तो सर चेंजेस किसमें होगा, अगर फिगर में कोई चेंजेस नहीं होगा तो सर किसमें चेंजेस होगा? इसके पोजीशंस में बेटा, जैसे इसके पोजीशंस जो होगा, जैसे मान लो ये शेप यहाँ पे बन रहा है, अब ये लगे कि आप थोड़ा सा इसे आगे लेके जा रहे हैं, तो ये जब हम इसको प्ले करेंगे तभी होगा, अभी तो ये बनाने का एक तरीका है, एक बनाने की प्रक्रिया है, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जिसमें पहला स्टेप यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सिंबल में कन्वर्ट करना होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट यह है कि हम इसको एनिमेशन यूज करेंगे, एनिमेशन यूजिंग एनिमेशन, तो अब इसमें दो एनिमेशन आपको पढ़ना है, इसमें एक तो मोशन है और दूसरा शेप है, अब देखो मोशन किस पे होगा, शेप किस पे होगा, आपके कोर्स में दो तरह के एनिमेशन है, पहले तो एनिमेशन को समझो कि एनिमेशन क्या है, व्हाट इज एनिमेशन, एनिमेशन इज ए सीरीज ऑफ इमेजेस अपीयर इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम दैट इट अपीयर्स टू शो द सम मूवमेंट, दिस कैन बी टर्म्ड एज एनिमेशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट ए सीरीज ऑफ इमेजेस अपीयर इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक सीरीज होगी, एक कलेक्शन होगा कुछ चित्रों का, जैसे मान लो 20 इमेज ले लिया या 10 इमेज ले लिया, 5 इमेज ले लिया और सबको सेलेक्ट कर लिया और उसको स्लाइड शो कर दिया, तो एक इमेज के बाद दूसरी इमेज, दूसरी के बाद तीसरी इमेज, जो क्रम से इमेजेस स्क्रीन पर आएंगी उस इमेजेस में एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होगा, यू हैव टू अप्लाई द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम आइदर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड आर 5 सेकेंड आर एनी ऑनवर्ड्स, तो वो जो आने का क्रम है स्क्रीन पर आने का जो क्रम है वही एनिमेशन है ना? अब इसमें अगर हम देखें तो ये
हमें मिलेगा कि एनिमेशन जो है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मान लो 2 सेकंड का समय दिया आपने, अब आप तो पावर पॉइंट में काम किए होंगे, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया है, तो स्लाइड को हम क्या करते हैं कुछ टाइमिंग के लिए शो कर देते हैं, और वो शो करते हैं तो अगर एक फाइल में मान लो 10 स्लाइड्स हैं तो 10 स्लाइड एक ही बार में स्क्रीन पर नहीं आ जाएंगी, एक एट ए टाइम एक ही स्लाइड देख पाओगे आप, है ना। तो उसमें जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो ये है कि हम सेट कर सकते हैं कि एक स्लाइड कितनी देर आए यहाँ पे 2 सेकंड का है, दूसरी स्लाइड 3 सेकंड का है, तीसरी स्लाइड ऐसे एक दूसरे स्लाइड के बीच में, मान लो एक ये स्लाइड, दो है ये, तीसरा है ये, चौथा है, 4 स्लाइड, और इनके आने का क्रम क्या आपने दिया मान लो 3 सेकंड, हम फिक्स कर सकते हैं 3 सेकंड बाद ही आएगा। तो ये सर, आने तो वो कैसे होगा? वो सेट हम कर लेंगे, हमें रिहर्स टाइमिंग में इसको सेट करना होगा, और यहाँ पर फ्लैश में प्रॉपर्टीज में सेट करेंगे कि वो कितने सेकंड्स के बाद हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, जो की फ्रेम हम बना रहे हैं उसमें स्टेज पर ये हम फिक्स करेंगे। अब मोशन ट्वीन या सेप ट्वीन, द मेन डिफरेंस बिटवीन द मोशन एंड सेप ट्विनिंग इज दैट मोशन ट्विनिंग वर्क्स एंड सिंबल एंड सेप ट्विनिंग इज यूज्ड टू यूज विथ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट सिंबल एंड आर अनग्रुप। जो ये मोशन ट्विनिंग है या जो सेप ट्विनिंग है ये एक्चुअली डिजाइन फॉर सिंबल, सिंबल के लिए होता है बेटा, याद रखो, सुनो, जो सेप ट्विनिंग है ये सेप ट्विनिंग किसके लिए है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेप होते हैं, जैसे मान लो सर्कल बना लिया, बॉल बना लिया, ये जो सेप हम बना रहे हैं ये इसके लिए सेप ट्विनिंग है। और मोशन किस लिए है, यहाँ पे आप देखेंगे सेप ट्विनिंग इज यूज टू चेंज द शेप ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर शेप, ट्विन डज नॉट वर्क इफ द ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड इनटू सिंबल। अगर हम चेंज नहीं करेंगे इसको सिंबल में तो ये ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं होगा। वी कैन क्रिएट विदाउट द मॉडिफाई मॉर्फिंग इफेक्ट्स बाय यूजिंग सेप ट्विन, व्हाइल मोशन ट्विन क्रिएटेड मोशन by defining the properties of an instance a group object stacks in a starting keyframe and can be changing the object property if needed at another point succeeding keyframes। देखो ये दो तरह के जो ट्विन है, जैसे मोशन हो गया या सेप ट्विनिंग हो गया, हम फ्लैश के तहत इनको एक हल्का सा मूवमेंट देने का प्रयास करते हैं जिनमें हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये हमने शेप बना दिया है बॉल का, तो बॉल को ये जैसे ये जो शेप बनाया है उसको हमें अगर एनिमेशन देना चाहते हैं तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कन्वर्ट करेंगे, और इसको जब सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट करने के बाद इसके हम प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। जैसे इसमें मान लो हमने टाइमिंग दिया, टाइमिंग किया एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में, या फिर यहाँ से देखो एक दूसरा बाल बना दिया, सपोज दैट इसको हमें इधर थोड़ा सा मूवमेंट कराना है और इसको इधर मूवमेंट कराना है, सपोज दैट, तो अब ऐसा नहीं है कि ये प्ले होने लगेगा बहुत ज़्यादा का, ये हमें नहीं देखना है, हमें एक टेस्ट के तौर पे देखना है। हमें ये जानना है कि फ्लैश इज द वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर बाय व्हिच वी कैन अप्लाई द विजुअल इफेक्ट्स, आर यू कैन से इन अनदर वर्ड दैट यू कैन अप्लाई द मूवमेंट इफेक्ट्स आल्सो दैट इच एंड एवरी ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी दैट एनी शॉर्ट मूवमेंट इज अकर्ड You can apply through the flash। और जब ये apply हो जाएगा तो आप book में देखो अपने पास motion twin के तहत, जैसे कोई एक car बनाई गई है और car को design किया गया है और car
इस तरह से थोड़ा सा मूवमेंट, जैसे मान लो ये कार हो गई, ये इसका पहिया बना दिया इसमें ये, तो इसको थोड़ा सा मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये लगे कि हाँ ये मूव कर रही है, तो ऐसे में इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में हमें मूवमेंट अप्लाई करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम चेंज करेंगे, फिर इसे मोशन गाइड ट्विन के तहत, व्हेन वी विजिट एन अननोन प्लेस वी डू नॉट नो विच पाथ टू फॉलो, सो इट इज बेटर टू टेक हेल्प ऑफ गाइड हु नो द रूट। यानी यहाँ पे देखें, हमें इसका रूट निर्धारित करना पड़ेगा कि ये यहाँ से मूवमेंट करेगा, यहाँ करेगा, या यहाँ तक जाएगा, ये स्क्रीन एरिया यहाँ से एंड हो गई, या अगर ये बॉल है तो यहाँ पे ये इसकी दिशा निर्धारित करेंगे। सीधे शब्दों में बताएं तो मोशन गाइड ट्विन से ये गाइड निर्देश, इसके तहत हम ये जानेंगे कि इसका रूट क्या होगा। ये हमें लेफ्ट लेफ्ट से राइट में ले जा रहे हैं कि राइट से लेफ्ट में ला रहे हैं, ये पाथ निर्धारित करना होगा हमको। इसको हम मोशन गाइड लेयर से करेंगे। तो जब हम इसको प्ले करेंगे, यानी हम जब इसको प्ले करेंगे, तो ये तमाम तरह की चीज़ों को करने के बाद हम ये पाएंगे कि हल्का सा मूवमेंट जो है इसमें, अल्टर एंटर करेंगे प्ले करने के लिए, इसका शॉर्टकट होता है, हम अल्ट प्लस एंटर जब प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। और जब प्ले होगा तो ये थोड़ा सा मूवमेंट दिखाई देगा, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि ये पूरा मूवमेंट और बहुत ज़्यादा जो है प्ले करेंगे और बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेक्ट करेंगे। हमको एक हल्का सा मूवमेंट देखना है जो फ्लैश के थ्रू देखना है, रिसेपिंग देखना है जो रिसेप करेंगे हम, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हमें एज इट इज रहने देना है। हम अगर देखें कि हम इस फ्लैश के डोलेशन में क्या सीखेंगे, तो फ्लैश के तहत हम ये जान पाएं कि फ्लैश इज ए पैकेज, फ्लैश इज ए प्रोग्राम बाई विच वी कैन क्रिएट द वेरियस टाइप ऑफ ड्राइंग यूजिंग फ्लैश CS3। देर हैव मैनी फैसिलिटी बाई विच वी कैन क्रिएट द ड्राइंग एंड वी कैन अप्लाई ऑन आवर ड्राइंग इन द फॉर्म ऑफ ए वेरियस ऑब्जेक्ट्स। वी कैन अप्लाई द वेराइटी ऑफ एनिमेशन बाई विच यूजर्स कैन सीम दैट एनी मोमेंट इज अकर्स, ए शॉर्ट मोमेंट यू कैन अप्लाई थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लैश। इट इज अ पार्ट बाई विच ए सिंबल आर वी कैन से अनदर वर्ड दैट एनी ऑब्जेक्ट इफ यू वॉन्ट टू चेंज द इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई द एनिमेशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज इट इन टू सिंबल एंड टू कन्वर्ट द सिंबल देर इज अ शॉर्टकट कीज विच एवरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी ऑलवेज रिमेंबर दैट एफर्ट की इज अ शॉर्टकट की बाई विच एफर्ट। समझ में आ रहा है? जहाँ तक बेटा रिहर्स टाइमिंग की बात है, आप इसे कन्फ्यूजन में मत आइए। इसको हम आपको एक रिहर्स टाइमिंग हम करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम इसे कर पाएंगे और किस तरह से इसे हम अप्लाई कर पाएंगे। देखें इसको, शेयर करते हैं हम। करें शेयरिंग। पहले तो तुम्हें हम इसमें लेके चल रहे हैं, पावर पॉइंट में देखो जरा सा, उसमें दिखा दें आपको कि हम जो इसे रिहर्स टाइमिंग किया या ऐसा कुछ है या जैसे बनाए हुए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। जैसे हमने यहाँ पे एक पहले की प्रेजेंटेशन बनाए रखे हैं, है ना? तो अगर इसे स्लाइड शो करोगे। यस सर। तो दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तब ही आगे बढ़ रहे हैं, मान लो माउस से क्लिक कर रहे हैं। अब माउस से क्लिक कर रहे हैं तो आप तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, आप घर पे हैं तो आपको देख नहीं पाएंगे कि हम क्लिक कर रहे हैं।
या ये अपने से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतना जान जरूर पाएंगे कि हम कहाँ से सेट करेंगे इसको, कैसे ये प्रॉपर्टीज हम सेट करते हैं। देखो हमने फाइल खोल लिया, यहाँ से फाइल ओपन करेंगे, देखो एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जहाँ की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें कितनी स्लाइड्स हैं, देखो 1, 2, 3, 4, माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिए, 4 स्लाइड्स हैं इसमें। ये राजा नाम की एक फाइल है जिसमें कि 1, 2, 3, 4, 5। हेलो, बात ना करो जी, म्यूट करो अपने को, हैं? यही तो दिक्कत है आपकी ऑनलाइन क्लास में ना, आप सेंट्रलाइज नहीं हो पाते हैं। कोई कुछ अपना अनम्यूट करके बोल देगा, आपको अनम्यूट नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनम्यूट करके और जो भी प्रॉब्लम है उसको पॉइंट आउट करोगे। अनम्यूट करने का मतलब ये नहीं कि अब हम बोलते जाएं और आप सुनते जाएं। म्यूट कर देंगे तो फिर ये थोड़ा सा आपसे और इंटरेक्शन नहीं होगा। देखो इधर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसा करना है कि यहाँ पे देखो ओमकार बंद कर दो, म्यूट कर दो अपने को। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास स्पीकर यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल लगाएं तो आपको आवाज भी सुनाई देगी इसमें, ठीक है? सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो, यस सर, यस सर, सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हो आप आवाज इसमें? बोलो। नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, आपको जब ये साउंड नहीं सुनाई दे रहा है आपको? मेरी आवाज नहीं है पावर पॉइंट में जब सर आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पर जो साउंड है यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्रांजिशन साउंड और ट्रांजिशन यहाँ पे, तो ये नहीं सुनाई दे रही है ना, ये सुनाई दे रही है भैया आवाज कुछ है? नो सर, ये सुनाई नहीं दे रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना होगा और वो अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा, तो इतना लेकिन जान लो कि यहाँ से साउंड आप सुन सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप ऐसे करोगे तो साउंड यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे समझना ये है आपको कि यहाँ पे ऑन माउस क्लिक, देखो ऑन माउस क्लिक है ना, ऑटोमेटिकली है। आफ्टर क्या लगाया मैंने, 2 सेकंड का समय। तो यहाँ से बेटा ऑन माउस क्लिक पे कर दो, ये हटा दो, तो जब इसको स्लाइड शो करोगे यानी F5 प्रेस करोगे तो ये माउस क्लिक करने पे आगे जाएगा। जा रहा है ऐसे, और अगर हम इसे एस्केप कर दें और ऑटोमेटिकली आफ्टर यहाँ पे 2 सेकंड बढ़ा लें, 3 सेकंड कर लो, और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल क्लिक करोगे, फिर आप F5 करो, देखो ये अपने आप चल रहा है। मैं माउस बिल्कुल रखा हुआ हूँ, माउस हाथ में नहीं है हमारे। एक बार आप बताइए, माउस हमारे हाथ में नहीं है, हम आपको हाथ इधर करके दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट, यस सर। मैं तो सर, सर एक बार और बताइए। हाँ एक बार और देखो, एक बार और शेयर किया और यहाँ से फाइल ले लिया, ये बंद करके चेक करेंगे यहाँ पे। एनिमेशन में जाओगे, एनिमेशन में यहाँ पे ऑन माउस क्लिक है, ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 सेकंड कर दिया है, तो ये 3 सेकंड के बाद ये बदलेगा, ये जान लेना। 3 सेकंड के बाद क्या होगा, बदलेगा। तो हम एकदम घड़ी से देख करके भी करोगे तब भी होगा, और इसे हमें सिर्फ स्लाइड शो कर देना है, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। देखो ये चल रहा है और मेरा हाथ यहाँ पे है, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ये तब भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप सामने मोबाइल पे देख रहे हैं?
यस सर। तो यही सर एंड हो गया स्लाइड सर। एंड हो गया स्लाइड, जो पेजेस खत्म हो जाएंगे तो ये एंड हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो सवाल इस बात का है बेटा कि हम यस सर जो कुछ भी बना रहे हैं या जो कुछ भी एनिमेट कर रहे हैं, तो ये एनिमेशन का मतलब यह है कि हमें परफेक्टली, अगर हम देखें यहाँ पे एंड की किया मैंने, यहाँ पे राइट बटन प्रेस करोगे और एंड शो करोगे तो ये शो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फिर अगर आपको मैनुअल करना है तो वही एनिमेशन में जाओगे और यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, ये जितने भी विजुअल इफेक्ट्स हैं लगा लेंगे आप। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा तो देखो यहाँ पे फिर से हम एक बार नो सर कर रहे हैं, फ्लैश एनिमेशन के तहत आपको बता रहे हैं, फ्लैश S3 एनिमेशन। इस लेसन में एनिमेशन का ही हमें देखना है। देखो जैसे अब देखो ये सारी चीजें हम इसको जो है ना क्रिएट करके बना सकते हैं, कर सकते हैं। प्रोसेस हो रहा है, ये तो सॉफ्टवेयर खुल रहा है, पीपीटी करते हैं इसका। पावर पॉइंट में भी है जैसा कि मैंने अभी करके दिखाया था आपको। सर इस साइड क्या है? इस साइड स्लाइड्स के जो जो पेजेस हैं सर, आप पीपीटी दिखा रहे हैं। सर आप पीपीटी दिखा रहे हैं। पीपीटी है ये, पीपीटी हमारा यूजिंग एनिमेशन फ्लैश पावर पॉइंट है, ये फ्लैश से है। फ्लैश का देखो, फ्लैश का देखो, इसमें जैसे ये तो सिंपल है ना, बुक में देखे है ना, स्टार बनाने के लिए क्या है, हम टूल्स ले सकते हैं, पैनल से ले सकते हैं, ये टूल्स हैं। यस सर। फ्रेम है, ये प्लेहेड है, शेप सिड है, ये आगे लेके चल रहे हैं, इसमें कोई सर साउंड है? साउंड नहीं है बेटा, साउंड जैसी चीजें हैं, साउंड नहीं है। पैक करते हैं इसको। एक्सरसाइज कितने तक हुआ है आपका? 8 तक का हुआ है, 7 का हुआ है, 8 का नहीं हुआ है ना, 8 नहीं? चैप्टर 7। ये बेटा 8 का हम आपके ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, 8 लेसन नंबर 8 का, ठीक है ना सर। चैप्टर नंबर 7 का जो सेकंड वाला है ना, जी पॉइंट का सेकंड, वो यस सर, वो भी आप यस सर, जी पॉइंट का सेकंड वाला दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाओ सर।
ये पहले भी एक बार करे थे लेकिन हम इसे लग रहा है कि नहीं कर पाए थे, इसको हम मोबाइल में नोट करते हैं बेटा अभी। हमको नोट करा दो किस लेसन का था, फिफ्थ लेसन का सर, चैप्टर सेवन का। हाँ चैप्टर सेवन का जी पॉइंट का सेकंड वाला। यस सर, आपको नहीं भेजे थे। नहीं भेजे थे बेटा, इसीलिए हम नोट कर रहे हैं मोबाइल में। चैप्टर नंबर सेवन, रुक जाओ, चैप्टर सेवन का। और सर जो चैप्टर नंबर सेवन है उसके बाद ये बताओ क्वेश्चन आंसर है वो? नो सर, क्वेश्चन आंसर नहीं है। हाँ सर, ये जी पॉइंट लास्ट में, जी पॉइंट सर एक टेबल बना है और समझ गया जी पॉइंट समझ गया। हाँ लेसन नंबर सेवन, इसको हम सर एक बार आप लेसन नंबर सेवन फिर से रीसेंट कर देंगे लेसन सर जो आप पहले भेजे। हाँ हाँ पूरा कर दे रहे हैं, पूरा फुल लेसन ही सेवन वाला कर दे रहे हैं, ठीक है। यस सर, यस सर, क्योंकि सर पहले ना उसमें वर्ड्स क्लियर नहीं थे इसलिए। अच्छा तो ठीक है, हम पूरा कंप्लीट लेसन ही सेंड कर देते हैं आपको आज शाम को, ठीक है ना? यस सर, शाम को मतलब 3 बजे, 3:30 बजे। हाँ फुल लेसन नोट कर लेना है, फुल लेसन, क्योंकि कई बार चीजें स्किप हो जाती हैं बेटा, तो फुल लेसन हम भेज देंगे आपको। तो लेसन नंबर सेवन और लेसन नंबर एट, ठीक है ना? तो फिलहाल हम बेटा मीटिंग को एंड कर रहे हैं है, और फिर हम लोग फिर आगे देखेंगे, ठीक है? ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर।